and welcome, my lovely students. I, Inspector VD, welcome you all at ADDA 247 Students Heaven. Again, I am for you guys. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट के लिए मच लगाएं कि मैंने लगाएं, मच लगाएं कि मैंने लगाएं. सर, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें. मैं आप लोगों को दो रूल बता दूंगा और ज़िंदगी में कभी आपको मच और मैंने के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. शुड यू स्टार्ट, लेट अस सी. देखिए, अगर मैं बोलूं आप लोगों को, पहले मैंने को उठा लेते हैं. मैंने अगर कभी भी आएगा तो इसका मतलब क्या होता है? अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं, भाई मैंने का मुझे मतलब बताओ, आप क्या बोलोगे? सर, बहुत सारा. कहीं बहुत सारा, यही तो दिमाग में आता है. मोर, अगर मैं आपको बोलूं, ऐसे बोलो ना यार, मोर इन नंबर्स. मैनी जो है बच्चे, वो हमेशा और हमेशा संख्या के लिए यूज होता है. किसके लिए यूज होता है? संख्या के लिए. समझ में आया? और अगर ये संख्या के लिए यूज होता है, मतलब मैं काउंट कर सकता हूं. देखिए ना, ये क्या है? मार्कर्स हैं. ये मेरे पास कितना मार्कर है? एक. अब कितना हुआ? टू. अब थ्री. नाउ फोर. इज इट क्लियर? नाउ फाइव, सिक्स. मैं इनको काउंट कर सकता हूं. समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर मैं बोलूं आपको वाटर, क्या वाटर को काउंट कर सकता हूं? वेदर, आज 5 किलो वेदर है, क्या इसको काउंट कर सकता हूं? तो नाउन दो ही होगा, या तो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा. अगर मैं आपको बात करूं नंबर्स जो अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब वो काउंटेबल की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? और बहुत सारे की बात कर रहा हूं. तो मैंने जो है ये आपका दो तरह से यूज हो सकता है. कैसे कैसे यूज होगा मैं आपको बता देता हूं. या तो ये आपका एक एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज होगा, या तो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, और या ये एक प्रोनाउन की तरह यूज हो सकता है. ध्यान से सुन लेना, अभी यहीं व्हाइट बोर्ड पे क्लियर हो जाएगा. या तो ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, या ये एक प्रोनाउन की तरह यूज होता है. अगर मैनी एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है यार, मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब. बस, वेरी सिंपल. जिंदगी में कभी आपको भी है, मैंने आपको भूलेगा नहीं. अगर एडजेक्टिव की तरह आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो गाइज आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा. एंड स्ट्रक्चर क्या होगा? मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब. जैसे लेट अस सी, मैं यहां पे एग्जांपल लिख सकता हूं, ठीक है ना? मैनी स्टूडेंट्स थिंक्स दैट द एग्जामिनेशन सिस्टम should be changed. है ना, मैंने एक सिंपल से सेंटेंस बना दिया, आप लोगों के हक के लिए सेंटेंस बनाया, राइट? मैनी स्टूडेंट्स थिंक्स दैट द एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी चेंज्ड. देखो ना, कंपटीशन वर्ल्ड में आप उतर के आए हो, आपने साइंस पढ़ा हुआ है, आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, और ऊपर से अभी आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है. मच, मैनी, फ्यू, लिटल, ये क्या है सर बताओ? हमारे जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उन सब्जेक्ट्स से क्यों नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हो? दिमाग में कभी आता होगा ना, मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है. आप अभी, आपको पढ़ना तो यही है, आप बस ये करो, आप मुझे गलती निकाल के बताओ, राइट? जल्दी से देखिए, ये मैनी है, मैनी है सर. ऊपर क्या है? प्लूरल नाउन. भैया तो प्लूरल नाउन तो है सर. यहाँ पर क्या है? प्लूरल वर्ब. ये क्या लगा हुआ है? सिंगुलर वर्ब. एस लगा हुआ है ना, यानी V5 लगा हुआ है. इसको मैं हल्का सा काट दूंगा. यही छोटी मोटी आपकी गलती होती है, एग्जामिनर आपसे खेलता रहता है और आपको पता नहीं लग पाता. मैनी स्टूडेंट्स थिंक दैट द एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी चेंज्ड. ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है. प्रोनाउन में जब हम करेंगे, उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होगा यार. उसका क्या स्ट्रक्चर नहीं होगा क्या? देखिए क्या होगा प्रोनाउन में अगर करेंगे तो, स्ट्रक्चर होगा मैनी. प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन की जगह पे आए. मतलब क्या? जो सब्जेक्ट बन जाए, जो ऑब्जेक्ट बन जाए, जिसका इतना औकात हो कि वो सेंटेंस में अकेला खड़ा हो सके, उसको किसी नाउन की जरूरत ना हो. ये एडजेक्टिव क्या है? ये तो यार नाउन के पहले लगा हुआ है, इसलिए वो प्रोनाउन है, तो उसका अलग स्ट्रक्चर होगा. मैनी प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब. बस, अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, देखिए जरा, यहां बना देता हूं ना, इसका सेंटेंस यहां बना रहा हूं. मैनी ऑफ द
students are is ready to take the exam. Many, जितने भी students हैं उसमें से बहुत सारे students जो हैं many of the students आर आएगा कि इज आएगा बताइए plural verb आएगा क्या आएगा यहाँ पे are इज नहीं आएगा. आई होप यू गॉट द पॉइंट. जिंदगी में नहीं तो जचाते रह जाओगे. अगर आपको स्ट्रक्चर से याद है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से चलोगे. अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब. मैं आप लोगों को पूछूंगा कभी मैं पूछूंगा मैनी का स्ट्रक्चर बताइए आप क्या बोलोगे सर एडजेक्टिव में मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब. मैं बोलूंगा आप लोगों से भाई मुझे प्रोनाउन में स्ट्रक्चर बताइए टक 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 टक. जैसे आपको अपना नाम याद होता है ऐसे ही आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए मैनी प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब. मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं दे रहा रादर मैं तो आपको ग्रामर में बांध रहा हूँ. ये जिंदगी में कितनी बार ग्रामर पढ़ोगे यार एक बार पढ़ के ख़त्म करके आगे बढ़ो ना और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए इतना बोरिंग चीज़ को पढ़ते रहोगे राइट. ये समझ में आया या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या वो प्रोनाउन का काम करेगा. अब बात आ जाती है एक और स्ट्रक्चर के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न जाने कितनी बार वो क्लास में पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है. मैं इसको रब कर रहा हूँ राइट आप नोट कर लीजिए. अब कई बार वो ऐसे स्ट्रक्चर देता है एक आपको मैनी प्लस ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब. इसी स्ट्रक्चर को जो वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था मैनी प्लस ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा. आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैनी आया हुआ है तो सिंगुलर नाउन हो कैसे सकता है. यार लिटरेरी स्टाइल है एक स्ट्रक्चर है. ये अगर मैनी आ गया उसके बाद ए आ गया इसका मतलब वो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही आएगा क्योंकि ए तो किसी भी प्लूरल नाउन के पहले आ नहीं सकता. उसी सेंटेंस को मैं इसमें चेंज करके अगर देखना चाहूँ तो मैं फिर ऐसे चेंज कर सकता हूँ. देखो कैसे मैं इसको बोल दूंगा मैनी ऑफ मैनी ए स्टूडेंट थिंक दैट द एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी changed. अगर मैं ये बोलूं many students think that the examination system should be changed. क्या आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के हिसाब से करके क्या ठीक कर सकते हो आप मुझे बताओगे. स्ट्रक्चर है ये और क्वेश्चन है ये जरा आप इसको ठीक करके आंसर बता दो मजा आ जाएगा. देखो many many a a यहां पे क्या लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन. यहां क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स. काटो इसको यार. यहाँ क्या लिखा सिंगुलर वर्ब. यहाँ क्या है प्लूरल वर्ब. देखो यार बात खत्म बस दैट्स इट. छोटा मोटा आपसे इस तरह से खेल सकता है वो. आई होप मैनी वाला पॉइंट क्लियर. एडजेक्टिव में बनेगा मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब या मैनी प्लस ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब राइट. अगर वो प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है तो स्ट्रक्चर बनेगा मैनी प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब. ये आपका रहेगा. आओ जरा आप मच को देखते हैं वो बड़ी बड़ा मजेदार है. रेडी चलो देखिए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि मच क्या होता है. मच ये हम यूज करते हैं मोर ज्यादा किसमें भाई सर मात्रा में क्वांटिटी में. मोर इन क्वांटिटी मात्रा में ज्यादा. आई होप यू गॉट. अब अगर मच की मैं बात करूं ये भी क्या काम करता है सर एडजेक्टिव का काम करता है. मच एक एडजेक्टिव भी है और क्या काम करता है. मच एक प्रोनाउन भी है सर वो एक प्रोनाउन भी है. अरे समझ में आ रहा है हल्के हल्के होले होले कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़े आराम से सीखते चले जाओ. अगर वो एडजेक्टिव है और मात्रा की बात कर रहा है तो जरा स्ट्रक्चर बताओ ना यार. मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब. बस ये बात है यार. अगर मैं बोलूं आपको मैनी या मच इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशंस
या आर या इज और ये अवेलेबल, लो जरा बता दो, आंसर कर दो। मैनी आएगा कि मच आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा कि इंफॉर्मेशन आएगा, आर आएगा कि इज आएगा, अवेलेबल तो है ही है। बताइए आपको, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? हाँ बताएंगे, लेट अस सी। ये क्या है इंफॉर्मेशन? ये जिंदगी में कभी भी आपका, ये आपका कभी भी काउंटेबल नहीं होता, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, राइट? तो इंफॉर्मेशन कभी हो नहीं सकता, क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा। अगर मैनी की बात करूं तो मैनी तो सर काउंटेबल नाउन के लिए आता है, प्लूरल नाउन के लिए आता है, तो क्या आ जाएगा? मच आ जाएगा, मच इंफॉर्मेशन, और यहां पर क्या होगा? इज अवेलेबल। ये आपका आंसर है यार, प्लीज नोट कर लीजिए, मच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, दैट्स इट। अगर प्रोनाउन की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर फिर स्ट्रक्चर है, राइट? देखो क्या है, मच प्लस ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर है, मच प्लस ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें एक और खतरनाक बात है, क्या है? देखो, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन तो आ ही सकता है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर, दिख रहा है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आप बस देखते जाइए, मैं अभी एक भी एग्जांपल की मदद से आपको यही व्हाइट बोर्ड पे ही समझा के जाऊंगा, डोंट वरी। मच के बाद ऑफ के ऑफ आएगा, या तो आपका अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है या आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर ही होगा सर। लेट अस सी, जरा देखते हैं, इसी को ही उसमें चेंज करके देखते हैं। देखो यहां लिख देता हूं इसको, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, क्या ये ठीक सेंटेंस नहीं है? देखो, मच मच लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इज सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, एक तो बात ये हो गई, मच प्लस ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, ये बात तो हो गई। अब एक कुंडी बस हमारी बची हुई है कि क्या सर मच के बाद सिंगुलर नाउन आ सकता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ सकता है? भाई बिल्कुल आ सकता है, बट कब आएगा, कब आएगा ये बताना जरा, कब आएगा? इफ मीनिंगफुल, कब आएगा? अगर ये मीनिंगफुल है तो। मीनिंगफुल कैसे, आओ बनाते हैं, रेडी हो? देखो जरा, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, अभी तो कुछ बना नहीं है सर, ये लीजिए, ये एक एप्पल है, बड़ा स्वीट एप्पल है, बिल्कुल एकदम से लाल लाल, यू नो, और कुछ दिन बाद इसमें क्या हुआ भाई, ये काला होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से ख़राब हुआ, फिर 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 आपने क्या किया, फिर आपने इसको बाद में परचेज़ कर लिया, पहले जब ताज़ा था तब परचेज़ नहीं किया, बाद में परचेज़ किया, फिर घर आके आप डॉक्टर बनते हो, एक चाकू उठाते हो और इसका पहले ये पार्ट काटते हो, ए यहाँ से गया, फिर आप यहाँ से काटते हो, ए यहाँ से गया, फिर आप ये पार्ट काटते हो, ए यहाँ से गया, फिर आप ये पार्ट काटते हो, यहाँ से गया, अब ये आपका बीच का एप्पल बच गया, इसको आप बड़े मज़े से खा लेते हो। अब मैंने देख लिया, या आप में से किसी बच्चे ने देख लिया, ग्रामर पढ़ा हुआ है हमसे, उसने बोला यार मच ऑफ, मच आएगा ऑफ या मैनी आएगा, द एप्पल इज या आर रॉटन, रॉटन क्या होता है, सड़ा हुआ, ये लो सड़ा हुआ, यू नो। अब एप्पल क्या है, एप्पल तो सर काउंटेबल है, एक एप्पल, पांच एप्पल, पांच फाइव एप्पल्स होता है कि नहीं होता, ये लो फाइव एप्पल्स, एप्पल को तो मैं काउंट कर सकता हूं भाई, अब सेब बना के दिखाऊं क्या पांचों, ये लो ना, इस टाइप से आपके पांचों सेब बन सकते हैं, अलग अलग होता है, फाइव एप्पल्स काउंटेबल है, लेकिन मुझे एक एप्पल की बात करनी है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहां पर क्या लगेगा, मैं बात किसी कर रहा हूं यार, इस मटेरियल की बात कर रहा हूं जो खराब है, देखो ना मटेरियल की बात कर रहा हूं, मीनिंगफुल बन रहा है, इसलिए मैनी नहीं आएगा, क्योंकि मीनिंगफुल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही बन रहा है, मच आएगा, मच ऑफ द एप्पल इज,
क्यों? क्योंकि सर मच है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इज आएगा। मच मतलब जो पूरा एप्पल है उसमें से जो कुछ भाग, मच ऑफ द एप्पल इज रॉटन, क्या खाऊं इसको, सारा तो सड़ा हुआ है। आई होप यू गॉट। मच अगर एडजेक्टिव में आएगा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्रोनाउन में आएगा मच प्लस ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, अगर मैनी एडजेक्टिव में आएगा मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मैनी अगर प्रोनाउन में आएगा मैनी प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ये आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन है। आई थिंक आप लोगों को ये कन्फ्यूजन अच्छा लगा, आपका कन्फ्यूजन दूर भी हो गया। जिंदगी में आज के बाद अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें मच और मैनी से आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।